चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे रेसिडेंस ऑफ अ फर्म एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब एक फर्म और एक व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला चीज आपको बता दें कि जो एक फर्म होती है या एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है वो कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है, मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कभी भी नहीं होगी, या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। चलिए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। रेसिडेंट इन इंडिया, अ फर्म आर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आर पार्टली is situated in India, there the resident of the partner does not have any impact. कहने का मतलब यह है कि एक फर्म को या व्यक्तियों के समुदाय को भारत का निवासी तब माना जाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या फुल्ली, मतलब पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत में होगा। और नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होता है, देखिए, a firm or an association of person will be not resident in India if its control and management is situated fully outside India. मतलब एक firm या association of person को non resident तब मानेंगे हम जब उसका control and management पूरी तरह से भारत के बाहर रहेगा। अगर कुछ भाग भारत में रहता है और कुछ भारत के बाहर रहता है तो वो रेसिडेंट कही जाती है, लेकिन अगर टोटल फुली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत के बाहर होता है तो वो नॉन रेसिडेंट होता है। अब यहाँ कुछ क्लेरिफिकेशन है, क्लेरिफिकेशन में जैसा कि हमने आपको बताया कि एक फॉर्म जो है वो कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकती है, पहला पॉइंट वही है। दूसरा है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट टू द डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस इफ पार्टनर्स आर मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाइल डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब यहाँ मैनेजर से कोई मतलब नहीं है, चाहे पार्टनर हो चाहे मेंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल देखते हैं कि जो कंपनी या जो फर्म है, कंपनी तो नहीं कर सकते हम, जो फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में होना चाहिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, उससे हम डिसाइड करेंगे। उसका मेंबर या पार्टनर क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज यूजुअली सिचुएटेड ऑन सच प्लेस वेयर हेड सी एंड डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड। मतलब इसका ये हुआ कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है यूजुअली सिचुएटेड सच ए प्लेस, मतलब कि भारत में होना चाहिए और भारत में ही उसकी मीटिंग वगैरह डायरेक्ट सर्च ही होनी चाहिए, पावर वगैरह होनी चाहिए, या भारत के बाहर भी वो हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जो एक फर्म होती है या एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है वो कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकता है, और जो वो हमेशा क्या होगा, रेसिडेंट होगा और नॉन रेसिडेंट होगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा फुल्ली या पार्टली तो रेसिडेंट होगा, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा पूरा भारत के बाहर होगा तो वो नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।